हेलो एवरीवन, कैसे होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो होने भी चाहिए। तो गाइस, आज का व्लॉग भी होने वाला है सुरनकोट से पीर की गली का। तो भाई, आज मन कर रहा था राइड करने के लिए, तो मैंने एक दो दोस्तों को कॉल किया। देखते हैं वो जा रहे हैं, अगर नए जाएंगे तो भाई आपका फिर भी चले जाएगा, ठीक है। तो निकलता हूँ गाइस, आपको मिलते हैं गोप्रो के सेटअप पे। फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने एंट्री सिटी पे, करते हैं स्टार्ट। तो भाई निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं हमारे घर की जो रोड है किस तरह की कंडीशन है। अभी इसका काम भी अटका होगा गाइस, पता नहीं कब ये कंप्लीट होगा। तो बाकी आप चेक करो गाइस, रोड चेक करें कि किस तरह की है भाई साहब। वही फाइनली गाइस, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी राइड के लिए। तो भाई बाकी रास्ता चेक करें, रोड चेक करें किस तरह की कंडीशन, क्या चीज़ है रहने वाला है भाई साहब। तो आपको ये चेक करने को मिलेगा। तो निकलते हैं गाइस अभी तगड़े वाली रोड पे, फिर आपको मिलते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मेन रोड पे। तो गाइस कुछ इस तरह की कंडीशन हो चुकी है अपनी रोड की, और जब मैं इतना कह सकता हूँ जब ये बनेगी गाइस खतरनाक बनेगी। तो बाकी भाई ये रोड चेक करें आप, यहाँ का यही सीन रहता है, यहाँ पे एक दो दो घंटा जाम रहता है भाई। तो भाई साहब निकलते हैं, अभी हम मिलते हैं आपको अगेन। हमारे साथ आ चुका है इश्तियाक भाई, ऐड हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे साथ कौन कौन ऐड होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं। एक भाई तो आगे, अभी टैपू भाई यार बोल रहे थे कि मैं आऊँगा राइड पे, ठीक है। उसको थोड़ा स्कूल में काम है, वो वहाँ पे गया है। तो देखते हैं भाई, अगर वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो दो बाइक की जगह बहुत हो जाएंगे। बेटा कभी नहीं चाहिए अपने को, अपनी जो राइड रहेगी वो सूफी राइड रहेगी और मस्त मज़े वाली राइड रहेगी, ठीक है। तो इश्तियाक भाई अपने जो है वो अभी से ही अंत, ओए सबसे पहले अपनी बाइक वॉच करवानी है, ठीक है। बाकी गाइस ये क्राउड चेक करें, ये चेक करें हम वो ओके खतरनाक सी है रोड की कुछ इस तरह की कंडीशन है। तो आप बताओ हमारे क्या कर सकते हैं यार, बाइक की क्या हाल होगी होगी। तो आज जो ये सुन बुलियार टू पीर गली जो फर्स्ट राइड रहने वाली है मेरी N250 पे, वही देखते हैं चलो आज का क्राउड क्या रहता है क्या नहीं। चलो निकलते हैं, अभी हम फुल पावर मिलते हैं आपको मस्त मजे वाली जगह पे। तो गाइस अभी हम जो अपनी बाइक जो है खुद वॉश कर रहे हैं गाइस, चेक करें इश्तियाक भाई है वो खुद बाइक वॉश कर रहे हैं अपनी भी और मेरी भी। चलो देखते हैं अभी, चलो साबुन वाबुन नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट जो है वो पानी मरवा के निकल जाएंगे हम। 10-20 रुपये दे दे यार इनको। तो फाइनली गाइस अभी हमारे सामने एक बंदा आ गया था भाई, वो कह रहा है भाई मेरे को भी लेके चलो। चलो यार लेके जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मदद करनी चाहिए यार हर बंदे की, ठीक है। तो हेल्प हम भी कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है भाई साहब, हेल्प करने में क्या आ जाता है अपना या तो किसी का जाता है। अगर बंदा कहे कि भाई हाँ मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही हो और एक हेल्प करने, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, ठीक है। हर एक बंदे की हेल्प करनी चाहिए अपने को। तो देखते हैं भाई सब रुक गए बंदे, हाँ भाई क्या हुआ, कोई चक्कर नहीं, मोर से वेलकम भाई, चल आ जा हेल्प कर देंगे यार। तो भाई साहब मिल गया जा रहा है। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं पनार पुल पे। तो दिखा रहे हैं हम आपको कि पनार पुल क्या है और किस तरह का है। और जहाँ पे जब भी आमिर भाई आते हैं वो यहाँ पे रील शूट करते हैं, यानी कि जो कुछ भी हो जाए ये सामने चक्कर हो जाए, ये है पनार पुल अपना। और भाई है ही मज़ेदार जी यार, एरिया जब मज़ेदार है, लोकेशन जब इसकी इतनी है, मोहब्बत गई बॉम्बे चले। चलो भाई चलते हैं पहाड़ में और आपको भी लेकर चलते हैं भाई साहब। भाई एक चीज अपनी भाई का जो धोखा नहीं देती, बाकी दुनिया सब धोखा देने वाली है यार, ये बात समझते हैं। आज सब लोग जो भी है वो मतलब ही ले आ रहे हैं, जो भी है आप ऐसे नहीं कि सब हैं, कुछ हैं जो जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं मेरे भाई, लेकिन वो भी 100 में से 1-2% बंदे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ, बाकी सब मतलब ही आ रहे हैं मेरा भाई। बदलने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है मेरा भाई, बाकी समझ लो। अभी भाई चेक करो ओए ओए, टर्न एकदम 15-20 की स्पीड में करना, ठीक है, आराम पे यार। ले अभी देखा तूने नीचे एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हुआ हम निकल आए, वरना हमको भी इन्होंने पकड़ लेना था कि आप भी इनके साथ हो। तो भाई कितनी हाइट पे मैं आगे खड़ा हो गया हूँ, आप ही चेक करो। बाकी हमको जो ना उस वाले ना रास्ते पे, तो बाकी फाइनली गया था, बाकी सब कुछ सेट है, अभी चेक कर सकते हो भाई ये मेरा शूट फूट गया। तो देखो इस तो बाकी नीचे रास्ता देखो गाइस,
देखो भाई कितना खतरनाक रास्ता है भाई, क्या ही कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता भाई। ठीक है निकलते हैं अभी हम ऊपर की तरफ से। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं पीएचडी, पहुंचे नहीं है 1 किलोमीटर तक, पहुंचने ही वाले हैं गाइस। तो बाकी बाबे जो है वो फुल पहाड़ पे आ चुके हैं, जहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे चलेंगे गाइस भाई, लेकिन आगे क्या फ़ायदा है, मोड़ी वहाँ भी कुछ है नहीं, जो मैं जो भी कुछ है देखने के लिए नज़ारा, जो भी चीज़ कुछ है वो आपको इधर ही मिलेगा जंतर की गली में देखने के लिए। चलो बाकी चलो मिलते हुए, तो यहाँ पे स्लाइडिंग बड़े जल्दी आती है भाई, निकल जाओ ऊपर तक, अभी के बाद पत्थर भी बड़े जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे। ले पाइलिन ले ले भी एक एक क्या कर मोड खत्म ही नहीं हो रहेगा इसमें, वो इधर से दिख जाता, लेकिन पहुंच चुके गाइस चक करो भाई साहब, तो ये फाइनली गाइस अभी हम जो है पीर गली पहुंच गए हैं, आप वो चेक कर सकते हो ये आगे गाइस जहरत सामने आपके जहरत आ गई है, ये साथ में आ गए हम, साथ में हमारे भाई लोग और हम निकल चुके हैं तीन गली की तरफ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, थोड़ा सा आगे लेंगे बाइक रुकेंगे और अपना बिंदा मजे करेंगे, मजे करेंगे। जब मैं पहली बार आया था गाइस तो मैं अपनी बैडमिंटन को लेके, तब यहाँ पे वो मैंने आपको बताया था स्प्लेंडर वाला हमारे लेके ऐड हुआ था, वो छपरी राइड कर रहा था, तो उसने यहाँ पे आगे बंदे को ठोक दिया था। बाकी गाइस चेक करें आप, मज़ेदार फुल मज़े पावर। तो निकल रहे हैं अभी हम जा रहे हैं फिर नहर की तरफ, फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ पीर की गली में। तो बाकी आप पीछे का जो है स्मोक चेक कर सकते हो और पीर की गली आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सामने रही भाई साहब, ये सामने रही जर्द, ठीक है। तो जो भी बंदा अभी तक नहीं है व्लॉग देख के देख रहा है तो आना चाहिए आप सबको, आओ और मज़े करो, ठीक है। तो बाकी हम निकल रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो बाकी गाइस जो भी बंदा चैनल पे न्यू है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जो ना, तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। हम निकल रहे हैं घर की तरफ, इसी क्या भेज रहा बंदा, अरे डब्बा 100 रुपये डब्बा, लेकिन मेरे पास ना अच्छे होने चाहिए ना, वो ख़राब निकलते फिर।